तो भाई साहब ये बन के आ चुकी है चिकन पैटी। तो चिकन की जो खुशबू आ रही है ना, ओए होए होए, थोड़ा टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा है। भाई साहब देखने में काफ़ी फ्रेश है, तोड़ने में पता लग रहा है कि काफ़ी सॉफ्टनेस है इसके अंदर। सबसे अच्छी चीज़ ये स्टिकर लगा के ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इस पर मैंशन कर देते हैं, ताकि जिसको भी चीज़ जाए ना फ्रेश जाए। तो दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं जम्मू के इंडियन केक हाउस में, जहाँ मिलता है जम्मू का सबसे बेस्ट केक, पेस्ट्रीज और भी बहुत बढ़िया वाली आइटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, दिखाते हैं आज आपको इंडियन केक हाउस में क्या क्या। काफ़ी सारी वैरायटीज के केक देखने को मिल जाएंगे। तो भैया काफ़ी सारे केक हैं इसके अंदर देख रहा हूँ मैं। अब जैसे ये केक देख रहे हो, ये काफ़ी मतलब कलरफुल लग रहा है और काफ़ी फ्रूटी लग रहा है। कौन सा केक है ये? फ्रूट कॉकटेल है ये। फ्रूट कॉकटेल केक, फ्रूट कॉकटेल, तो देखने में काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो क्या प्राइस रहता है भैया इसका पर केजी? 600। तो और भी काफ़ी सारे केक है इसमें से, तो कुछ यूनिक आइटम है आपके पास जो मतलब बाकी जगह नहीं बनती हो? यूनिक है, डिफरेंट केक है। फ्रूट कॉकटेल देखो, हार्ट शेप में भी फ्रूट कॉकटेल है, और ये येलो वाला, येलो भी फ्रूट कॉकटेल केक, ये भी फ्रूट कॉकटेल है। तो ये जो ऊपर छोटे केक्स लगे हैं ये हाफ के जी के हैं? हाफ के जी के हैं। तो इनका क्या प्राइस रहता है? ये वाले जो है 300 के, ये भी 300 के, वो वाले 250 के हैं। वो 250 के हैं, वो सिंपल पाइनएप्पल केक है। तो ये भैया एगलेस रहते हैं कि एगलेस केक रहते हैं? तो अगर किसी को एग वाला चाहिए हो तो ऑर्डर पे मिल जाता है। तो भाई साहब काफ़ी सारी वैरायटी हम देख रहे हैं केक्स की ना यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ले लिया है ये फ्रूट कॉकटेल पेस्ट्री, जिसका प्राइस है 60 रुपीज़, और इसके ऊपर चेरी भी लगी हुई है, कीवी का भी पीस लगा है। तो इसको ना थोड़ा टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा है। भाई साहब देखने में काफ़ी फ्रेश है, तोड़ने में पता लग रहा है कि काफ़ी सॉफ्टनेस है इसके अंदर। तो चलिए करते हैं टेस्ट। मैं ना मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है। जो ब्लैक ब्लैक ऊपर था ना, ब्लैक ग्रेप्स था, जिसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आया। और बीच में मैं दिखा सकता हूँ कि ना फ्रूट्स हैं काफ़ी सारे, अंदर भी ना जो क्रीम की लेयरिंग है ना ब्रेड में, उसमें फ्रूट्स डाले हुए हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसको खा के ये कहता है कि मैं ना जम्मू में काफ़ी जगह पेस्ट्रीज खा चुका हूँ, अगर हम मीठी पेस्ट्री खाने जाते हैं ना तो उसमें मीठा ऐसे मतलब ठोक बजा के डाला होता है, लेकिन इसके अंदर ना बिल्कुल बैलेंस है। और जब आप इसकी बाइट लोगे ना ऐसा लगेगा मेल्ट सी होगी अंदर, क्योंकि जो फ्रेशनेस है ना वो आपको देख के ही पता लग जाएगी। ये तोड़ोगे ना जब आप, ये देखो मैं आपको दोबारा से तोड़ के बताता हूँ, जैसे ही आप इसको तोड़ोगे एकदम फ्रेश। मुझे नहीं लगता कि जम्मू में ना इतनी फ्रेशनेस वाली चीज़ बेकरी प्रोडक्ट्स आपको और कहीं पे मिलेंगे। तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका। तो भाई साहब ये बन के आ चुकी है चिकन पैटी, तो गर्म करके दिया बढ़िया तरीके से भैया ने। ये देखो अंदर चिकन की फीलिंग है काफ़ी अच्छी, और बॉयल चिकन डाला हुआ है इसके अंदर। चिकन की जो खुशबू आ रही है ना, ओए होए होए होए, ज़बरदस्त खुशबू है भाई साहब। और 40 रुपये इसका प्राइस है। सॉस दिया है भैया ने खाने के लिए साथ में, पर मैं ना बिना सॉस के टेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं इसका जो अपना ऑथेंटिक टेस्ट है ना वो देखना चाहता हूँ। ऊपर से देखो काफ़ी क्रिस्पी लेयर है इसकी, ये देखो बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है। अब आइए इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये वो चीज़ है जो आपका पेट भर देगी पर आपका मन ना कभी नहीं भरेगा इसको खा के, अगर आप नॉनवेज खाते हो ना मज़ा आ जाएगा भाई साहब खा के। मतलब मैं क्या बताऊँ, चिकन का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है इसके साथ, और ये नहीं कि चिकन है तो इसलिए अच्छा लग रहा है, चिकन का कीमा यूज़ किया गया इसके अंदर। जो एक टेस्ट फील हो रहा है ना, जैसे आप ये देख सकते हो क्रिस्पी लेयर है पूरी, बीच में चिकन की फीलिंग, इतनी टेस्टी चीज़ ना यार मैंने नहीं खाई चिकन के साथ कभी, कि ऐसी भी चीज़ बन सकती है। मज़ा आ गया भाई साहब उसको खा के। तो भाई साहब ये आ गया इनका चीज़ कॉर्न सैंडविच, जो कि प्योर वेज है, और इसका प्राइस जो है 50 रुपीज़ है। तो बिल्कुल फ्रेश ये रहता है यहाँ पे ना। सबसे अच्छी चीज़ ये स्टिकर लगा के ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इस पर मैंशन कर देते हैं, ताकि जिसको भी चीज़ जाए ना फ्रेश जाए। तो इसको टेस्ट करता हूँ मैं, इसमें भी सॉस इन्होंने डाल रखी है, पर मैं बिना सॉस के इसको टेस्ट करूँगा और इसको टेस्ट करके आपको इसका फ्लेवर बताऊँगा। जब आप सैंडविच को खाओगे ना
आप और कुछ नहीं जाओगे खाने, जो फ्रेशनेस है ना नेक्स्ट लेवल है। इसको खा के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अभी अभी ये इनकी किचन से बेकरी से बन के आई हो और सीधा यहाँ पे इन्होंने डाल के इसको सर्व कर दिया हो। कॉर्न्स हैं, कॉर्न्स का जो टेस्ट है काफ़ी बीच में बढ़िया आ रहा है, और जो क्रीम यूज़ की गई है बीच में चीज़ डाली हुई है वो तो भाई साहब एक नंबर का टेस्ट दे रही है। बीच में क्यूकम्बर है, थोड़े थोड़े ग्रीन वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये हेल्दी चीज़ है, बाहर जाके मोमोज खाने से अच्छा, नूडल्स खाने से अच्छा ना ये चीज़ खाओ, आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी बाहर का कुछ तड़कता भड़कता कुछ मतलब ऐसे अलग सा खाने की, और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी जो कि बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई साहब यहाँ पे आओ और ये चीज़ें मैंने टेस्ट की है ना इनको एक बार टेस्ट ज़रूर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मैं कंफ्यूज हो चुका था कि मैं कौन कौन सी चीज़ खाऊं। पर भैया को मैंने बोला आप अपनी मर्ज़ी से ना कुछ भी दे दो बढ़िया सा, मैं वही खा लूँगा। तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख के मैं खुद कन्फ्यूज़ होगा कि मैं ये खाऊँ, दिल कर रहा था वो खा लूँ, ये खा लूँ, लेकिन भाई साहब जो चीज़ें इन्होंने दी ना मस्ट रिकमेंडेड है कि एक बार आके यहाँ पे ट्राई करो। और ट्राई करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और आप सबका अपना चैनल डुग्गर व्लॉग्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।